अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा सबसे छोटा बेटा आज पहली दफ़ा जो है वो स्कूल जाने लगा है, माशाल्लाह से। वैसे तो मैंने इसको पिछले साल स्कूल दाखिल करवाना था, लेकिन तब सब कह रहे थे कि अभी बहुत छोटा है, तो माशाल्लाह से ये 4 साल का हो गया है। तो अब मैं इसको स्कूल दाखिल करवा रही हूँ, लेकिन इसके बाबा अभी भी कह रहे थे कि ये भी बहुत छोटा है। तो ये मैं इसका यूनिफॉर्म और शूज़ वगैरह लेकर आई हूँ। मुनीफ अहमद को भी मैंने उसी स्कूल में दाखिल करवाया जहाँ पर नूर हिबा भी जाती हैं। तो इनके स्कूल में बॉयज़ का ये यूनिफॉर्म है, खाकी कलर की पैंट, वाइट शर्ट, टाई और बेल्ट, और साथ में ब्लैक सॉक्स, शूज़ वगैरह। और इनका सिलेबस जो है वो सारा ऑक्सफोर्ड का है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर। डेली बेस पर न्यू एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं यहाँ पर, और कुरान क्लास भी होती है, और एक पीरियड जो है इनका वो फुल कुरान का होता है, यानी नाजरा और दुआएं वगैरह यहाँ पर सिखाई जाती हैं। बहुत अच्छा स्कूल है। तो ये सारी इसकी बुक्स हैं। नर्सरी क्लास में करवाया क्योंकि इनके स्कूल में प्ले ग्रुप नहीं है, तो इसलिए इसको नर्सरी क्लास में मैंने करवाया है। अब मैं इनके लिए नाश्ता रेडी करने लगी हूँ, क्योंकि नाश्ते में बच्चे जो है वो ज़्यादा हैवी कुछ नहीं खाते, सिर्फ ब्रेड और चाय या फिर बिस्किट वगैरह ले लेते हैं। और अभी मैं इनके लिए ब्रेड और चाय रेडी कर रही हूँ। ब्रेड के ऊपर हल्का सा मैं घी लगा दूंगी ताकि ये क्रिस्पी सी हो जाए। बस अब चाय रेडी हो गई है और कपों में डालने लगी हूँ। तो आज मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था क्योंकि बेटियाँ जो है वो तो खुद ही यूनिफॉर्म वगैरह पहन कर तैयार हो जाती हैं, तो मुनीफ को मुझे अभी खुद ही तैयार करना पड़ेगा। और माशाल्लाह से इनका नाश्ता भी, लंच वगैरह सब कुछ जो है वो काम डबल हो गया है। ब्रेड भी दोनों तरफ से अच्छी तरह जो है वो रेडी हो गई है। अब मैं इसको जो है वो नाश्ता करवाऊँगी बच्चों को। तो ये बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। मुनीफ अहमद जो है वो पहले 10 बजे से पहले नहीं उठता था, लेकिन आज इसको सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ा है क्योंकि स्कूल जाना है। तो अभी बच्चे नाश्ता कर रहे हैं और मैं इनके लिए लंच बनाने लगी हूँ, और लंच में इनको मैं ब्रेड और अंडा देकर भेजूँगी। ऑमलेट बनाने के बाद मैं थोड़े से पीसीज ब्रेड के भी गर्म कर लूँगी जो इनको लंच में देने हैं। और अब मैं मुनीफ अहमद को तैयार कर रही हूँ, पैंट शर्ट वगैरह पहना दी है, अब बेल्ट लगा रही हूँ, और इसी तरह से इसका सारा यूनिफॉर्म बना के मैंने तैयार कर दिया था। और मुनीफ अहमद भी बहुत एक्साइटेड हो रहा था यूनिफॉर्म पहन कर पहली दफ़ा स्कूल जाने के लिए। नूर हिब्बा तो खुद ही तैयार हो रही हैं, मैंने सिर्फ उनकी कंघी करके पोनी वगैरह करनी होती है, तो बाकी यूनिफॉर्म शूज़ वगैरह वो खुद ही पहनती हैं। और मुनीफ अहमद को तो मुझे खुद ही अभी तैयार करना पड़ रहा है। और ये माशाल्लाह से देखिए रेडी हो गया स्कूल जाने के लिए, और बहुत प्यारा, मुझे तो बहुत क्यूट लग रहा था यूनिफॉर्म में। अगर आपको मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।